फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद गिरजा। आज मैं आपके लिए बैंगन की एक और रेसिपी लेकर आई हूँ, बैंगन स्टिर फ्राई। तो चलिए देखते हैं। आज हम बनाने वाले हैं बैंगन स्टिर फ्राई। इसके लिए हमने पैन में ऑयल डाला है, ऑयल गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे जीरा, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, इसमें डालेंगे बैंगन जो हमने लंबे लंबे पीसेस में काट के रखा हुआ है। कोई भी बैंगन ले सकते हैं, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए सर। थोड़े मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे। अच्छी तरह से चला देंगे जिससे कि सारे पीसेस में मसाला कोट हो जाए। इसे क्लोज कर देते हैं और गैस को सिम पे रखते हैं। दो मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे। चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से कुक हो गया है एक साइड से। इसे हम चला देंगे थोड़ा सा, आप देख पा रहे होंगे। देखिए हमने इसे एक बार चला दिया है, इसके बाद हम इसे थोड़ी देर और कुक होने के लिए रख देंगे। दो मिनट काफी रहेगा। चेक कर लेते हैं, देखिए बहुत बढ़िया से बनके रेडी हो गया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर, जैसे अमचूर पाउडर भी बोलते हैं। अच्छी तरह से बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है। आपके घर में अगर कोई बैंगन की सब्जी का नाम सुनते ही नाक मुंह से कुड़ता है तो उसे ये वाली रेसिपी जरूर खिलाइए। आई एम श्योर कि आपको दोबारा डिमांड आएगी इस रेसिपी की। इस तरह से रेडी है, इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं सर्विंग बाउल में। फ्रेंड्स, आपने देखा ये रेसिपी बहुत ही इजी है बनाना। आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने अनुभव बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको अगर ये रेसिपी अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।